सुपौल के डीआरसीसी भवन में उत्पाद आयुक्त की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में जिले के 181 जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हर किसी ने शराबबंदी को सफल बनाने पर अपनी राय रखी और इस दौरान राज्य में शराबबंदी को किस तरह सफल बनाया जाए इस पर उत्पाद आयुक्त ने जनप्रतिनिधियों से मिलकर चर्चा की। लोगों ने उत्पाद आयुक्त को कहा कि पहले शराब तस्करी के बड़े लोगों पर कार्रवाई होगी, तभी निचले स्तर पर शराबबंदी कानून सफल हो पाएगा। इस पर आयुक्त उत्पाद ने कार्यक्रम में एक शिकायत पेटी लगाकर बिना डरे लोगों से शराब तस्करों का नाम देने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों ने काफी अच्छी जानकारी मिली है। मुखिया है, सरपंच है, वार्ड सदस्य हैं, आने वाले समय में इससे बड़ी जानकारी की बात करते हो सकता है कि एमएलए, विधायक, एमपी, मिनिस्टर किसी पद पर पहुंच सकते हैं। हम लोग जो जिम्मेदारी हमको मिलती है हम लोग उसका अगर सही अगर अच्छी तरह से निर्वहन करें तो हम लोग अपने समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर मैं अपना काम ठीक से करूंगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं मुझे ही सैलरी मिल रही है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, बट मैं मुझे ये भी सोच रहा होता है कि मैं इससे मेरे समाज में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहा हूँ। तो ये कंट्रीब्यूशन आप लोग आपके जो एकदम जो नीचे का गाँव का जो जमीनी हकीकत इसको कहते हैं कि जहाँ पर सब कुछ क्या है दिखता है उस जमीनी स्तर पर आपके गाँव गली मोहल्ले में कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। जैसे कि आपने अभी कहा कि गांव में सभी लोग जानते होते हैं कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता। हमें आपसे ये सहयोग थे कि हमारे किसी भी गांव किसी भी पंचायत में जहां पर भी जो इस तरह के लोग तस्कर स्मगलर बुटलेगर जो बाहर से आते हैं बाहर से सामान लाते हैं और स्थानीय स्तर पर उसको फैलाते हैं उन सबकी सूचना आप हमको आपको मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने अन्य जिलों में भी जब ये बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सेफ्टी का खतरा है सिक्योरिटी का खतरा है अगर हम लोग सूचना देने जाते हैं तो एक तो है कि उस टोल फ्री नंबर पर आप फोन कर सकते हैं कभी भी। बता दें कि शराबबंदी कानून के तहत बिहार में अब तक 1 लाख से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इतना ही नहीं 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो काफी चिंता का विषय है। इन सब के बावजूद उत्पाद आयुक्त ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा की रिपोर्ट।